हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर लाइव सेशन। ये इंग्लिश पार्टनर हिंदी का अगला लाइव सेशन है। मेरा नाम है श्रेया और मैं यहाँ पर एक सीनियर ट्रेनर हूँ। तो आज का लाइव सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। अगर क्लियरली सुनाई दे रही है तो आप चैट बॉक्स में थम्स अप डाल सकते हैं या येस लिख सकते हैं। मेरे लैपटॉप में चैट बॉक्स खुला है, मैं देख सकती हूँ आपके आंसर्स। ओके, तो आई थिंक आई एम क्लियर एंड ऑडिबल। तो आज का जो हमारा लाइव सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लैंग्स इन इंग्लिश। स्लैंग्स, तो इंग्लिश लैंग्वेज में स्लैंग्स होते हैं। तो ये स्लैंग्स होते क्या हैं? सबसे पहले स्लैंग्स का मतलब है कुछ ऐसे शब्द जो बहुत इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल नहीं लगते, बिल्कुल इनफॉर्मल होते हैं। और लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल भाषा में, इंग्लिश में, इन्हें यूज़ किया जाता है। लिखने में बहुत कम यूज़ आते हैं ये वर्ड्स, लेकिन बात करते वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ऐसे वर्ड्स। अब ये स्लैंग्स सीखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? आजकल हम हमेशा इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं, हर जगह मीम्स देख रहे हैं, उससे हमें नई नई चीज़ें पता चल रही है। तो इनमें ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इनका मतलब समझने के लिए आपको ये स्लैंग्स पता होने चाहिए। और अगर आपको ये स्लैंग्स पता होंगे तो आपको दूसरों से कम्युनिकेट करने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि दूसरे लोग भी ये वर्ड्स बहुत रेगुलरली यूज़ करने लग गए हैं। ये बहुत सिंपल वर्ड्स है लेकिन बहुत रेगुलरली यूज़ होते हैं, और जो वर्ड है उसका बिल्कुल अलग मतलब होता है जो एक्चुअल इंग्लिश मतलब है। उसके अलावा ये स्लैंग टर्म में कुछ और मतलब होता है। तो इसलिए आपको ये स्लैंग वर्ड सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ स्लैंग्स का मतलब समझाती हूँ और उससे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है लिट, LIT, लिट। लिट का मतलब क्या है? स्लैंग, द स्लैंग लिट, उसका मतलब है व्हेन समथिंग इज़ वेरी गुड, जब कुछ बहुत अच्छा हो तो हम कहते हैं दिस इज़ लिट। तो समथिंग वेरी गुड, एन्जॉयबल, एक्साइटिंग, तो उसके लिए हम कहते हैं दिस इज़ लिट। तो इससे आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? डूड, द पार्टी लास्ट नाइट वॉज लिट, वेयर वर यू, मतलब कल पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ेदार थी, तुम कहाँ थे? ऑलराइट, तो ये था हमारा शब्द लिट। अगला शब्द है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। तो ये हम बहुत कॉमनली सुनते हैं लेकिन स्लैंग्स में इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है चलिए देखते हैं। व्हेन समवन इज एक्स्ट्रा इट मींस दे आर अननेसेसरीली ड्रामेटिक, एक्सेसिव, ओवर द टॉप और अ ड्रामा क्वीन। तो जब हम कहते हैं यू आर एक्स्ट्रा, मतलब कुछ ज़्यादा ही आपने कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक, ड्रामा करना, वहाँ हम कहते हैं योर एक्स्ट्रा। जैसे कि शी इन्वाइटेड द एंटायर स्कूल टू हर बर्थडे, शी इज़ सो एक्स्ट्रा। तो कुछ एक्सेसिव, कुछ बहुत ज़्यादा करना, उसका मतलब है एक्स्ट्रा। अगला जो हमारा स्लैंग टर्म है वो है सॉल्टी, सॉल्टी। यू कैन से समवन इज सॉल्टी व्हेन दे गेट अपसेट और एंग्री ओवर समथिंग माइनर, मतलब कोई जो एकदम छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाता है, रूठ के बैठ जाता है, तो हम कह सकते हैं दैट ही इज़ सॉल्टी या शी इज़ सॉल्टी। तो निक इज़ सो सॉल्टी सिंस हिज पेरेंट्स टुक अवे हिज कार, निक इज़ सो सॉल्टी सिंस हिज पेरेंट्स टुक अवे हिज कार। तो जब छोटी छोटी बात पे कोई गुस्सा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ही इज़ सॉल्टी। अगला जो हमारा टर्म है वो है टू गोस्ट समवन, टू गोस्ट समवन, मतलब व्हेन यू कट ऑफ कम्युनिकेशन विद समवन यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन।
अब आप किसी से रोज़ बातचीत कर रहे हैं, सडनली उनसे बात करना आप छोड़ दें, तो उन्हें हम कहेंगे दैट यू गोस्टेड हिम। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ओ माई गॉड, डिड यू हियर क्रिस्टीना गोस्टेड मैट, मतलब उसने उससे बात करना छोड़ दिया। क्रिस्टीना गोस्टेड मैट मतलब क्रिस्टीना हैज स्टॉप्ड टॉकिंग टू मैट। ओके, तो टू गोस्ट समवन मतलब किसी से बात करना या कम्युनिकेट करना छोड़ देना, या फिर कोई जब मिलने आता हो, आप किसी को मिलने बुलाते हो और खुद ही वहाँ नहीं पहुँचो, तो भी आप कह सकते हैं टू गोस्ट समवन। अगला वर्ड है टू फ्लेक्स। टू फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब क्या है? अनदर वे ऑफ सेइंग समवन इज शोइंग ऑफ, कोई जो बहुत शो ऑफ करता है उन्हें हम कहते हैं दैट पर्सन इज फ्लेक्सिंग। Nowadays, teens have started using the slang phrase weird flex but okay. तो जब कोई है ना बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलता है तो उसे हम ऐसे कहते हैं, Andrew's trying to flex with that new no-name smartphone of his. तो trying to flex मतलब trying to show off. तो Andrew अपने फ़ोन को लेकर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, टू फ्लेक्स, ही इज़ ट्राइंग टू फ्लेक्स। ओके, या लाइक वियर्ड फ्लेक्स बट ओके। अगला है लो की एंड हाई की। लो की एंड हाई की, तो लो की इज द ऑपोजिट ऑफ हाई की एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ सेइंग दैट यू लाइक्ड और डन समथिंग सीक्रेटली, मॉडेस्टली और क्वाइटली। आई लो की रूटेड फॉर डेनेरिस टू रिमेन ऑन द आयरन थ्रोन, मतलब लोकी मतलब मन ही मन में आपने ऐसा चाहा, मन ही मन में आप किसी को चाहते थे, मन ही मन में आप सीक्रेटली या मॉडेस्टली ऐसा सोच रहे थे, तो कुछ मन ही मन में रखना मतलब लोकी रखना। तो आई लोकी रूटेड फॉर डेनेरिस टू रिमेन ऑन द आयरन थ्रोन, तो यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स एक सीरीज था उसकी बात कर रहे हैं, तो मन ही मन में मैं चाहता था कि डेनेरिस आयरन थ्रोन पे रहे। पॉल इज हाई की ट्राइंग टू लर्न स्पैनिश फॉर एलिना। हाई की इसका टोटली ऑपोजिट है, मतलब खुले में, बिल्कुल खुले में वो स्पैनिश सीखने की कोशिश कर रहा है। पॉल इज हाई की ट्राइंग टू लर्न स्पैनिश फॉर एलिना। तो ये था लो की एंड हाई की। अगला है शुक। शुक मतलब व्हेन समवन इज शुक इट मींस दे आर शॉक्ड और इनक्रेडिबली सरप्राइज्ड। तो जब कोई बहुत शॉक हो जाता है या बहुत सरप्राइज हो जाता है तो हम कहेंगे ही इज शुक। डिड यू सी द न्यू सीजन ऑफ लूसिफर जस्ट लैंडेड ऑन नेटफ्लिक्स? ओ माई गॉड, आई एम शुक, आई नीड टू वॉच इट ASAP. आई एम शुक मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। ऑलराइट, शुक मतलब जब आप बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर है टी, चाय, टी। तो ये हम कैसे यूज़ करते हैं एज अ स्लैंग? इसे हम कहेंगे व्हेन समवन इज स्पिलिंग द टी, मतलब दे आर गॉसिपिंग। स्पिलिंग द टी मतलब गॉसिप करना, चर्चा करना। तो ये कैसे यूज़ होता है? व्हाट हैपेंड एट जेसिकाज बर्थडे पार्टी? Come on, spill the tea. Spill the tea मतलब मुझे बताओ, gossip करते हैं। जब हम gossip करते हैं it is called spilling the tea. फिर है to clap back, to respond to another person's criticism. मतलब किसी को back answer करना, जब कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है कि ये सही नहीं था, तो उसे जब आप फिर से उल्टा जवाब दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं टू क्लैप बैक। मरिया इज क्विक टू क्लैप बैक एट एवरीवन हु सेज शी डजंट हैव अ नाइस ब्रिटिश एक्सेंट। तो मरिया बहुत जल्दी से उन्हें वापस जवाब दे देती है जब कोई कहता है यू डोंट हैव अ नाइस ब्रिटिश एक्सेंट। तो क्लैप बैक मतलब जल्दी से जवाब दे देना, फिर से उल्टा जवाब देना।
कभी कभी ये नेसेसरी भी होता है कि कोई आपको सुना कर चले जाए लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते, बट यू शुड आंसर देम। और कभी कभी चुप रहना ही अच्छा होता है। अगला है मूड। मूड तो ये किसके लिए यूज़ होता है? यूज़ टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज़ रिलेटेबल। मतलब कोई कुछ कह रहा है और आप भी उससे अग्री करते हो, आपके साथ भी ये हो रहा है, तो आप कह सकते हैं मूड। तो आई विश आई वॉज इन बोरा बोरा राइट नाउ, तो सामने वाला कहता है मूड। मतलब इवन आई विश द सेम, जब आप सेम चीज़ विश कर रहे हो, उनसे रिलेटेबल चीज़ पर बात कर रहे हो, तो आप मूड ऐसा कह सकते हैं। अगला स्लैंग है हैंग्री। हैंग्री, हैंग्री मतलब व्हेन यू आर सो हंग्री दैट यू आर एंग्री। जब आपको इतनी भूख लग रही हो कि आपको गुस्सा आने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं हैंग्री। आई एम सो हैंग्री राइट नाउ, आई कुड ईट 5 burgers इन वन सिटिंग। 5 burgers इन वन सिटिंग मतलब जब कोई बहुत किसी को बहुत भूख लगती है, उस वजह से गुस्सा आने लग जाता है, तो तब हम कहते हैं आई एम हैंग्री या ही इज़ हैंग्री। अगला है स्ले। स्ले टू डू समथिंग वेरी वेल, मतलब कुछ बहुत अच्छी तरीके से करना, टू इम्प्रेस समवन वेरी मच और टू बी वेरी गुड और इम्प्रेसिव। ओके, तो एक सेकेंड, हाँ, जो स्ले हमारा वर्ड था उसे हम कह सकते हैं शी स्लेड इट इन द डांस परफॉर्मेंस लास्ट नाइट, मतलब किल्ड इट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। तो स्ले करना मतलब कुछ बहुत अच्छा करना, इम्प्रेसिव करना। तो ये था हमारा अगला स्लैंग वर्ड। तो ऐसे ही ये सारे सिंपल स्लैंग टर्म्स आप याद रखिए और ट्राई कीजिए इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करने का। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश बहुत कूल भी साउंड करेगी और जो आजकल चल रहा है उससे अपडेटेड रहना बहुत नेसेसरी है। इसके लिए आपको ये स्लैंग वर्ड सीखने ज़रूरी है। तो ये थे हमारे सारे स्लैंग वर्ड्स आज के लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे लाइव सेशंस में हमारे साथ जुड़ते रहिए और इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। Until then, signing off. Thank you so much for joining us.